तो हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज कृष्णानंद साहू और आपका प्यारा सा क्यूट सा चैनल कृष्णा साइंस एकेडमी में आप सभी लोग का स्वागत है। बच्चों, यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, डेराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, सभी के बारे में हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि डायमेंशन क्या होता है। बच्चों, डायमेंशन जो है आपके फिजिक्स का एक अभिन्न अंग है। ये अगर आता है तो आप हर जगह आपको डायमेंशन देखने को मिलेगा। कैसे डायमेंशन निकलता है? वेरी इजी होता है बच्चों, ज़्यादा कठिन नहीं होता है। देखिए, तो डायमेंशन आर द पावर टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स। डायमेंशन जो है मूल मात्रक पर पावर लगा के लिखा जाता है। दूसरी बात, रेज्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस दी डेराइव, जिससे क्या करते हैं हम लोग डेराइव्ड क्वांटिटी को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आते हैं डायमेंशन की कहानी को चलते हैं, क्या कहती है कहानी। तो पहले स्टार्ट करते हैं मूल मात्रक से ही, फंडामेंटल से ही। तो पहला हो गया आपका लेंथ। लेंथ क्या होता है? लेंथ ये हो गया, इसका ब्रैकेट लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका डायमेंशन। मास होता है, मास का डायमेंशन एम होता है, ये ब्रैकेट में लिखा जाता है, डायमेंशन होता है वो। टाइम है, टाइम का डायमेंशन होता है टी। इसी प्रकार टेम्परेचर है, इसका डायमेंशन होता है थीटा और केल्विन। ओके, ठीक है। डेराइव्ड क्वांटिटी बच्चों इसी से उत्पन्न होती हैं। तो हम बात करते हैं डेराइव्ड क्वांटिटी की, तो एरिया होता है क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू मीटर स्क्वायर होता है। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल, और ब्रेथ का एल, एल स्क्वायर। ठीक, इसी प्रकार आप निकालना चाहेंगे डेंसिटी का। ओहो, तो डेंसिटी क्या हो जाएगा बच्चों, मास वाई वैल्यूम। तो मास केजी होता है यूनिट्स, वैल्यूम मीटर क्यूब। तो यहां से क्या निकल जाएगा इसका डायमेंशन, केजी का हो जाएगा एम और मीटर का हो जाएगा एल क्यूब। अगर बच्चों आपको यूनिट्स पता है तो आप डायमेंशन आराम से निकाल सकते हैं। अगर इसको बच्चों एक स्टैंडर्ड रूप में लिखना होता है तो स्टैंडर्ड रूप में आप लिख सकते हो एम जीरो, ओहो, एम एल थ्री टी पावर जीरो, ये स्टैंडर्ड रूप में हो जाता है। इसी प्रकार नेक्स्ट आता है बच्चों वेलोसिटी आती है। वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। ओके, तो डीएसपी हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका, विस्थापन होता है यानी दूरी को मापता है, तो इसका हो जाएगा एल और टाइम है टी, तो हो जाएगा एल टी पावर माइनस वन। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार अगर हम निकालना चाहेंगे किसका, एक्सीलरेशन का निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है छोटा ही लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, एक्सीलरेशन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी वेलोसिटी का हो जाएगा एल टी पावर माइनस वन और इसका हो जाएगा क्या, टाइम का टी, तो एल टी पावर माइनस टू हो जाएगा। इसी प्रकार फोर्स निकालना चाहेंगे तो फोर्स का क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास का हो जाएगा डायमेंशन एम और एक्सीलरेशन का हो जाएगा, त्वरण का हो जाएगा एल टी पावर माइनस टू। ये त्वरण होता है बच्चों, जिसको नहीं पता होगा जान लेगा। तो कितना आ जाएगा, एम एल टी पावर माइनस टू। इसी प्रकार निकालना चाहेंगे प्रेशर का तो कितना आ जाएगा प्रेशर का बच्चों, फोर्स बाई एरिया। फोर्स का हो जाएगा एम एल टी पावर माइनस टू और एरिया का हो जाएगा एल स्क्वायर। तो यहाँ से आएगा एम एल पावर माइनस वन टी पावर माइनस टू।
देखो बच्चों वेरी सिंपल है, इसी तरह बीमा निकालते हैं हम लोग, और भी निकाल सकते हैं बीमा, अगर आपको मान लो निकालना हो तो कहानी करती है क्या, तुझे जाना। ये जो बच्चे बोलते हैं कि सर पढ़ने में मन नहीं लगता, कभी दिल तो लगा कर देखो किताबों से, तुम्हें जुनून का एहसास दिला देगी। पहले करियर को सेटअप कर लो, चलो आओ। तो नेक्स्ट है बच्चों आपका, मैं निकाल रहा हूँ जी का डायमेंशन निकालना है मुझे, जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, मुझे इसका डायमेंशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो जी का निकालना है तो फोर्स इंटू ए स्क्वायर बटा के एम वन और एम टू इक्वल टू जी हो जाएगा। तो जी का डायमेंशन कैसे निकालेंगे, फोर्स का होता है एम एल टी पावर माइनस टू, और ये दूरी है तो इसका हो जाएगा एल स्क्वायर, और इसका हो जाएगा एम, इसका भी हो जाएगा एम, एक एम से एम कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा एम पावर माइनस वन एल पावर थ्री टी पावर माइनस टू, ये हो जाएगा जी का बीमा। बहुत फेमस है, इम्पोर्टेंस भी है, ये आता भी है कभी कभी, ठीक है बच्चों। तो ऐसे हम लोग बीमा निकालते हैं, और भी बहुत सारे राशियां हैं जिसका आप बीमा निकाल सकते हैं। तो बीमा निकालने का प्रोसेस यही है, आपको बस फार्मूला पता हो तो आप बीमा निकाल सकते हैं, आपको अगर कोई भी फार्मूला पता हो तो निकाल सकते हैं। जैसे आपको मैं बात करूँ यहीं पर काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ अगर, तो हाफ एम भी स्क्वायर होता है, तो इसका आपका डायमेंशन में इस वैल्यू का कोई महत्व नहीं होता है बच्चों। तो आप क्या करेंगे, एम करेंगे और वी का एल टी पावर माइनस वन, तो एम एल टी पावर माइनस वन हो जाएगा, स्क्वायर है ना ये, तो स्क्वायर और ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और जितनी भी एनर्जी होती है सबका डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है। वर्क अभी देख लीजिए यहीं पर, वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स का हो गया एम एल टी पावर माइनस वन, और फोर्स का हो गया एम एल टी पावर माइनस टू, और इसका हो गया आपका क्या एल, तो आ जाएगा क्या आपका एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस टू। सबका बीमा ऐसी तरह निकलता है बच्चों, जी आपको बस फार्मूला याद है तो आप डायमेंशन निकाल सकते हैं। क्या इतनी बातें क्लियर हो चुकी, डायमेंशन आपको क्लियर हो चुका, हाँ तो वेरी गुड। डायमेंशन पर बेसिक बहुत सारे सवाले आते हैं, तो ये देखिए क्या है, ये डायमेंशन है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेकर आएंगे बच्चों आपको कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होती है, उस पर जो बेस्ट बेस्ट न्यूमेरिकल क्या होते हैं, और उसके बाद डायमेंशनल मेथड से कैसे किसी फार्मूले को ड्राइव करते हैं, और वन पद्धति से दूसरे पद्धति में कैसे चेंज करते हैं, सीजीएस से एमकेएस में कैसे चेंज करते हैं, इन सभी को टॉपिक को लेकर हम लोग आएंगे। तो पढ़ते रहिए और फोकस करते रहिए। लाइफ में अगर आगे बढ़ना है बच्चों तो कुछ तो सोचना पड़ेगा, ओके बच्चों।